हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीसीजी वैक्सीन के लिए। तो बीसीजी वैक्सीन का जो स्ट्रेन तैयार किया जाता है थ्रू द माइकोबैक्टीरियम बोविस एंड दैट इज डैनिस 1331। इसी के साथ हम इसका रिकंस्टिट्यूशन जो करते हैं, इसको डिसॉल्व हम करते हैं, वो करते हैं नॉर्मल सेलाइन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं सर बर्थ डोज कितनी होगी। तो बर्थ डोज यहाँ पर आपकी रहने वाली है 0.05 ml। ये बर्थ डोज आप एट अ बर्थ या फिर अप टू द एज ऑफ 1 month प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आपने मान लीजिएगा बर्थ डोज एडमिनिस्टर नहीं किए बेबी को, तो नेक्स्ट वन आप ये डोज दे सकते हैं एट द एज ऑफ 6 week। यहां पर हमारी डोज रहने वाली है 0.1 ml, और ये जो डोज है वो अपन अप टू द एज ऑफ 1 year बेबी तक प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सर हमारे रूट क्या होने वाला है, तो रूट यहां पर रहेगा आपका इंट्राडर्मली। साइट आपकी रहने वाली है लेफ्ट अपर आर्म के थ्रू, अगर आपने 3 से 4 घंटे के इसको एडमिशन किया है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको क्या करेंगे डिस्कार्ड कर देंगे, यानी 3 to 4 hours आफ्टर द रिकंस्टिट्यूशन आप इसे क्या करने वाले हैं डिस्कार्ड करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा सर एडमिशन करने के लिए अपन निडल यूज लेते हैं, दैट इज द ओमेगा माइक्रोस्टेट या फिर ट्यूबरकुलिन सिरिंज अपन यूज में लेते हैं। 26 गेज की और 1 सेंटीमीटर लेंथ आपकी इसकी निडल होने वाली है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपको क्या करना है, कभी भी वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के बाद में साइट को आप स्प्रिट सॉप से क्लीन नहीं करेंगे, बिकॉज़ यू ऑल नो कि ये जो वैक्सीन होने वाली है ये रहेगी हमारे लिए लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, और अगर स्प्रिट सॉप से अपन क्लीन करेंगे तो यहां पर हमारा जो माइक्रो ऑर्गन्स है वो क्या हो जाएगा डेस्ट्रॉय हो जाएगा, और इम्यूनोजेनेसिटी जो प्रोसेस होती है वो बहुत कम होगी। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं इसके इफेक्टिवनेस के लिए, तो इफेक्टिवनेस होती है हमारी 15 टू 20 ईयर तक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर याद रखिएगा, पल्मोनरी टीबी के लिए इसका इफेक्टिवनेस होता है 0%, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए रहेगा आपका 50 to 80%। दूसरी चीज यहां पर याद रखिएगा कि रिकरेंट टीबी के लिए इसका इफेक्टिवनेस होता है 0%। नेक्स्ट में देखिए जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के अपन क्या करते हैं इसको यूज करते हैं, लेप्रोसी में भी हमारे पास में इफेक्टिव रहेगी और इट इज अबाउट 20 to 40%। नेक्स्ट जो भी आपका रिसेंटली एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ब्लैडर कैंसर वाले पेशेंट के अंदर अगर आपको इम्यूनोथेरेपी प्रोवाइड करवानी है तो वहां पर भी आप बीसीजी वैक्सीन को यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन किसी भी पेशेंट के अंदर 2 टू 4 वीक के बाद में आपको पैप्यूल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जस्ट आफ्टर द 6 टू 12 वीक आपको एक परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एंड आफ्टर 8 टू 14 वीक आपको क्या मिलने वाला है मंटुक्स टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। ऐसी और रेगुलर अपडेट के लिए आज ही आरजे के रिपोर्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।